जिथों राजे भी मंगदे ने मैं उतों मंगना है, जिथों राजे भी मंगदे ने ओदे कोलो मंगण तो कंगाल ना सकदे। मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु कोलो लेना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु कोलो लेना है। किन्ने जन ओहदे कोलो मंगना चाहुंदे ने हत्थां नूं हिलांदे हो, मैं उत्थों मंगना जी।
प्रार्थना। जदों मैं तेनू पुकारा तू मैनू उत्तर दे, हे प्रेम दे परमेश्वर जब मैं तंगी विच सां तैं मैनू खोल दित्ती, तेरे उत्ते दया करके मेरी प्रार्थना सुन लै। हे मनुख दे पुत्रो मेरी बेनती करोगे। हे मनुख दे पुत्रो तुसी कद ताई मेरी महिमा दी बेपति करोगे, व्यर्थ नाल प्रीत लाओगे, झूठ पालोगे सलाहा। पर ए जानो मेरी यहोवा ने संत जानू अपने लिए वखरा कर रखिया है, जदों मैं ओनू पुकारा यहोवा मेरी सुनेगा। कंब जाओ और पाप ना करो, अपने बिस्तरिया उत्ते अपने मना विच सोचो अते चुप रहो सलाहा। धर्म दे बलिदान चढ़ाओ अते यहोवा उत्ते आस रखो। बाले ए आखदे हन भई सानू कौन कुछ भलियाई विखावेगा, हे यहोवा अपने मुखड़े नू साडे उत्ते चमका। तैं मेरे मन विच उन्हां नालों जदों उन्हां दे दाणे अते दाखरस बहुत हो गए हन वधीक आनंद पा दिता है। मैं शांति नाल लेटदिया ही सौ जावांगा, क्यों जो हे यहोवा तू ही मैनू अमन विच वसाउंदा है। Hallelujah.
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम च जो मुर्दा आ गया यीशु के नाम से जिंदा हो जाता है। मुर्दा अंग यीशु के नाम से जिंदा हो जाता है। प्रभु जो जो मन प्रभु इस वक्त की हजूरी खड़े है, जो जो प्रभु जी इन्होंने मांगया आज हर एक मांग नो मेरे परमेश्वर तुसी दया करो और हर एक मांग नो दिन आज पूरा कर दे प्रभु जी। आमेन। यीशु के नाम से सारी मंगा पूरी हो प्रभु जी। आमेन। जो जो मांग रहा है प्रभु जी अगर वो चंगाई मांग रहा है खुदा बोलो ते जरे यीशु के नाम से बेटा आज वो चंगाई नु हासिल करे प्रभु जी। आमेन। थोड़े हासिल करे प्रभु यीशु मसीह के सामने। यस अगर प्रभु उन्हें कोई जॉब नहीं की प्रभु जी खुदावंद ने नौकरी ने आज ही तुसी इंतजाम करके दे प्रभु जी। यस लॉर्ड। थोड़े प्रभु जी काम करके दे खुदा। यस लॉर्ड। यीशु के नाम दे विच जिन्हें के जिंदगी च बंधन है बेटा जान दे शराब है बीमारी दे शराब है अंधकार के ताकत ने फड़े होए है आज यीशु के नाम दे सब आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। थोड़े जात हो जाए खुदा का रूह तुम छू रहा है तुम्हारी जिंदगी च हूं ही कम कर रहा है। खुदा ने वचन च लिखा है कि जो कोई उन्हें पुकारेगा आज यीशु के नाम से सब हो जाए जिन्हें पुकार रहे वो बचाए जाएंगे यीशु मसीह। आमीन। आज उन्हें का बड़ा छुटकारा होएगा यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि मेरा यीशु उन्होंने छू रहा है। यस। अखा दी बीमारियां जिन्हें पे मरीज ने अखा दी बीमारियां में जिन्हें भी मेरे बहन भरा ने वो सब आज आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उन देखा दी बीमारियां खत्म हो गई अखा दी लाइट दिए छोड़ी है यीशु मसीह ने जिंदा सामर्थ्य नाम के विच। आमीन। जिन्ना बना आमीन बड़ी बड़ी तोड़ी बरकत है। आमीन। मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਣ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਫਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਜੋ
रूल कुदस है वो साडे विचकार है, उहदा पाक नूं साडे विचकार है, वो तुहानूं छू रहा है, वो तुहानूं छू रहा है। मैं देख रहा है यीशु दे नाम दे विच गले दीआं जिहड़ियां बीमारियां यीशु दे नाम दे विच हो रहे हैं, मेरा खुदावंद उहनां नूं छू रहा है। बंद गड़े खुल रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, प्रभु दया कर रहा है, मेरा परमेश्वर मेरा खुदावंद दया कर रहा। जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं देख रहा है, वो विश्वास ना इस वक्त प्रार्थना दे माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, खड़े हैं और स्किन के जितने भी अजीज मैन बनाया बीमारी के विच ने तो उनका संदेह बहुत आगे आ रहा है, उनका बहुत आगे आ जो सारी शरीर के जितने भी इंफेक्शन है चमड़ी का रोग और यीशु मसीह ने सामर्थ्य नाम के इसी वक्त खत्म हो रहे हैं, वो लोग आसाद हो रहे हैं, फ्री हो रहे यीशु मसीह ने सामर्थ्य नाम के, आसाद हो रहे यीशु मसीह ने सामर्थ्य नाम के, उन्हें तो बड़ा छुटकारा हो रहा है यीशु मसीह के नाम। विश्वास करो प्रभु यीशु ने जिन्हें देखो फाइनेंशियल लोड या जरूरत है प्रभु के चरणों में रखी है, विश्वास करो, विश्वास करो परमेश्वर तुम फाइनेंशियल तौर पर भी ब्लेस कर रहा है, आमेन। पवित्र आत्मा तुम शुद्ध है, यस लॉर्ड। जो तुम्हारे चलने फिर में मुश्किल है, गोडा अड़ रहा है, गोडे की ग्रीस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, गिट्टे में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ताजो सारे दर्द मेरे यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जा रहे हैं, आमेन। चंगाई की सामर्थ इस वक्त तुम्हारे विचकार है, चंगाई की सामर्थ तुहाडे विचकार है, जिन्हें दर्दां दे मरीज ने जिन्हें दर्दां दे और मेरे भैन भरा ने उस सब यीशु दे नाम दे चंगे होण लगे, क्योंकि यीशु तुहाडे विचकार है, वो तुहानूं छू गया, वो तुहानूं छू गया, खुदा दा रूह तुहानूं छू गया, यस लॉर्ड। तुसीं ब्लेस हो गए, यस लॉर्ड। तुहाडा घराना ब्लेस हो गया, यस लॉर्ड। जोर नाल कर महिमा करो परमेश्वर, थैंक यू जीसस। जोर नाल महिमा करो परमेश्वर, आई लव यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी। अपनी अखों बंद करेंगे, अपने हाथों को हिलावेंगे और आराधना करेंगे परमेश्वर। थैंक यू यीशु, बहुत रात में तुम्हें धन्यवाद, खुदावंद का धन्यवाद कर देंगे। खुदावंद ने सानू अपने सच्चे दास और दासी जो चरवाए साढ़े वास चराए सानू दिते, हालेलुया। और खुदावंद ने उन्होंने जो ओहदा दिता प्रॉफिट का ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 2023, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। प्रार्थना करवा के गए और बस ही बोले कोई नी उथे बहुत वधिया है क्योंकि उथे हाई क्लास हाई स्टेटस दे बच्चे पढ़ते हैं और उहदा नाम है वेयर वर्ल्ड। मेयर वर्ड स्कूल का नाम सुन के ही बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और मेरी बेटी ने जो सुनिया सीगा लास्ट ईयर और वो उदो कह रही थी कहती मम्मा मैं उस स्कूल में जाना नेक्स्ट ईयर मैं डिफ स्कूल में नहीं पढ़ना चाहे तो मैंने एडमिशन करवा दो मैं उत्थे नहीं जाना। और मैं उन्होंने बोलिया मैं तू प्रेयर कर और उन्हें प्रेयर की इसलिए उन्हें फास्टिंग भी रखे थे अपनी लाइफ के और खुदावन ने ऐसा वो बड़ी लाइफ वो लाइफ ऐसा बड़ा मिरेकल किया परमेश्वर धन्यवाद करती है कि मेरी बेटी उस स्कूल में एडमिशन हो चुका और वड्डी गवाही दे नाल खुदावन ने सानू खड़े कर दिता। हालेलुया।
सो ये बहुत 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 बिग टेस्टिमनीज मेरी लाइफ में है और नेक्स्ट वीक में इस तो बढ़िया गवाहियां दे नाल आ रही हैं। हालेलुया। ब्रदर जी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जी ने इन्हें विदेश दे विच संभाल के रखा, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दी है, वधिया जॉब दे नाल ब्लेस किया है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें सफर दे विच मदद की और सही सलामत अपने घर विच लेके आए ने। सारिया नेकियां भलाइया लिए परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा ते जलाल परमेश्वर जी के नाम में। सिस्टर सुनीता परमेश्वर जी ने मेनू मेरे परिवार को संभाल के रखा है, हर एक लोड़ जरूरत नु पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते ने। और सिस्टर जी दसते ने कि इन्हां नु काम की जरूरत सी और इन्होंने लगातार प्रॉफिट जी को प्रार्थना करवाई और सिस्टर जी जिदा का काम चाहते सी परमेश्वर जी ने इन्हां नु हुण उस तरह के काम के नाल ब्लेस किया है। इस ब्लेसिंग दे लिए दिल तो परमेश्वर का धन्यवाद करते ने। सारी महिमा ते जलाल परमेश्वर जी के नाम। सिस्टर सुनीता आनंद नगर तो सिस्टर दसते ने कि जो ये मशीन ते काम करते सी ते इन्हां दी अखां दे विच बहुत ज्यादा दर्द हुंदा सी और इन्होंने पिछले संडे खुदा दे दास जी को प्रार्थना करवाई, हुण ये उस दर्द तो बिलकुल फ्री ने, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते ने। और इन्हां दी दूसरी गवाही है कि सिस्टर जी बहुत परेशान सी, इन्हां नूं पैसों की जरूरत सी और इन्होंने फोन के उत्ते खुदा दे दास जी ने अपनी सारी परेशानी दसी और प्रार्थना करवाई, परमेश्वर जी ने इन्हां दी सारी परेशानी का हल किया और उस लोड़ जरूरत नूं पूरा किया है, इसलिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा ते जलाल परमेश्वर जी दे नाम। सिस्टर एलिस नंदनपुर के सिस्टर दसदे ने कि इन्हां दे हसबेंड बीमार रहिंदे सी और जो लास्ट संडे इन्हां दे हसबेंड ते ऑयल प्रेयर हुई आ और उस दिन तो बाद इन्हां दे हसबेंड बिल्कुल ठीक आ, इन्होंने टेस्ट करवाए और इन्हां दे हसबेंड दे सारे टेस्ट नॉर्मल आए ने, इस चंगियाई दे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा ते जलाल परमेश्वर जी दे नाम। सिस्टर पूनम नंदनपुर की गवाही है कि इन्हां दे हसबेंड काम ते नहीं सी जांदे ते इन्होंने प्रॉफिट जी को प्रार्थना करवाई, हुण इन्हां दे हसबेंड काम ते जांदे ने, इस गवाही दे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा ते जलाल परमेश्वर जी दे नाम। अगली गवाही मेरी है कि मेरे पापा नूं परमेश्वर जी ने पक्के काम दे नाल ब्लेस किया है, पिछले महीने भी जिदा उन्हों का 15 दिन ही काम लगा सी, जनवरी दे विच भी इसे तरह होया ते मेरे पापा जी लगातार प्रार्थना करवाते रहे प्रॉफिट जी को, हुण परमेश्वर जी ने मेरे पापा नूं पक्के काम दे नाल ब्लेस किया, इस ब्लेसिंग दे लिए मैं दिल तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ। सारी महिमा और जलाल परमेश्वर जी दे नाम। इस गवाही नूं सुन के साडा विश्वास होर वधेगा। हालेलुया। सिस्टर पिंकी जी मकसूदा तो आए हैं, इन्हों की गवाही यह आ कि इन्होंने ब्रदर पहले जेल में सी, इन्होंने ब्रदर पहले जेल में सी और 10 तरीक नूं इन्होंने ब्रदर की सुनवाई सी, कोर्ट की तारीख सी, लेकिन इन्होंने ब्रदर उस तरीक ते नहीं पहुंचे और जो नहीं पहुंचे तो उन्होंने आवाजा पड़िया सी, जिस तरह कोर्ट में आपको पता जिंदी तरीक होंगी उन्होंने आवाजा पैदा वा और काफ़ी आवाजा पैन तो बाद जो नहीं पहुंचे तो जज साहब ने उन्होंने सज़ा सुनाती सी, उन्होंने सज़ा सुना दी और उन्होंने अंदर कर दिता, उन्होंने अरैसट वारंट निकल गए और उन्होंने अरैसट करके अंदर लॉकअप यूनिट बंद कर दिता। लेकिन उस तो बाद भैन प्रभु तो विश्वास करते थे, इन्होंने प्रॉफिट जी ने गल की और प्रॉफिट जी ने दुआ की और आत्मा में प्रॉफिट जी ने मैसेज दिता इन्हों के ताड़ा भरा 14 तरीक न बहर आ जाएगा और बरी हो जाएगा। चौदह तरीक सुनवाई सी और प्रॉफिट जी ने बोलिया कि जो सुनवाई होगी अगली तारीख होगी ताड़ा ब्रदर उस वेले बरी होगा और जिदा प्रॉफिट जी ने बोलिया उदी होया। 14 तरीक न फिर तरीक पई और जज साहब ने उन्होंने बिल्कुल बरी कर दिता। खुदावंद की तारीफ करांगे जोर नाल तारीफ करते हुए। बाइबल का वचन है, बाइबल च लिखा कि जो मेरा दास बोलेगा खुदावंद कहता वो मैं करूंगा, अपने दासां दीआं गल्लां नूं मूंह दे शब्दां नूं कदी नहीं भुंजे नहीं सुनता। इस करके असीं जो भी खुदा दे दास साडे बारे कुछ बोलते हैं असीं उन्हां चीज़ां नूं फड़ लैणा वा। हालेलुया। जो ब्लैसिंग वास्ते बोली जाती है, जो आशीष बोली जाती है, उन्होंने शब्दों को फड़ लो और डिक्लेयर करो यीशु मसीह के नाम के खुदावंद की तारीफ करा कि जोर नाल। ये भी गवाही बड़ी अद्भुत है। सिस्टर बलजीत जी पूसा तो आए हैं और प्रभु तो विश्वास करते थे लेकिन फिर वो मन में बड़े विचार आते और
विश्वास डावाडोल ही हो जाता सीगा। दिल करता सी चर्च आन नू पर आ नहीं हो रहा सीगा। लेकिन प्रभु ने इन्होंने पहले भी दो दिन वारी काम किए हैं। हाँ जी जो इन्होंने घर भैनों के घर बंदगी होंगी सी ये आते होंगे सके और दुआ कराते होंगे सके और प्रभु ने इन्होंने जीवन च काम किए। और मैं दो तीन बार कहा मैं भैन जी तुम चर्चा जरूर चर्चाओ कि खुदा वा तुम्हारी सुनता वा दुआ सुनता वा। और परसों भी इदी होया कि इन्होंने गड्डी लैनी सी और इन्हों को पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं और इन्होंने प्रभु का विश्वास किया दुआ कराई और परमेश्वर ने इन्होंने दुआ सुनिया और शनिवार गड्डी इन्होंने घर आ चुकी सी। बिना पैसे के इंतजाम तो खुदावन ने शनिवार को ही इंतजाम किया उस वेले खड़े पैर इंतजाम किया और अज वड्डी गवाही नाल अपनी गड्डी नाल खुदावन के घर में आए हैं। खुदावन की तारीफ करें जोर नाल। और उसके बाद इस भैन का विश्वास वध्या वा और हम इन्होंने पक्का मन बना लिया वा कि खुदावन में विश्वास करते हैं और भवन च आवगे और अपना जीवन प्रभु को देंगे। खुदावन की तारीफ करेंगे जोर नाल। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.